आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के एक निजी अस्पताल के बाहर, जहां पर कुछ लोग फिलहाल प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। क्या कुछ पूरी बातचीत है ये भी देखना रहेगा। लाइव तस्वीरें हैं, जी हाँ लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को फिलहाल देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं हुड्डा थाना SHO मौके पर पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, क्योंकि लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी लगातार विरोध प्रदर्शन फिलहाल जरूर करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बार बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या मामला हुआ है आज यहाँ? एक्चुअली हमने अपनी मदर का 25 जुलाई को ऑपरेशन कराया था, इसने ऑपरेशन गलत कर दिया और उसके बाद हमें इसने मिसगाइड कर दिया। मिसगाइड करने के बाद इसने हमें ये रिश्वत देने की कोशिश की और हमने वो लेने से मना कर दिया। जान से मारने की धमकी दे रहा है। किस चीज का ऑपरेशन कराया था? गोल ब्लैडर का करवाया था। कोशिश की है, क्या हुआ इसमें? उसमें इसने गलत ऑपरेशन करने के बावजूद हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, उसके बाद अगर हमने इससे पैसे नहीं लिए उसके बाद ये कह रहा है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल बंद करवा के तुम्हें यहीं पिटवाऊंगा। बाउंसर, आपकी माता जी का क्या खेल खराब हुआ? माता जी की इसने जानलेवा हबत मारने का घाट उतार दिया था बिल्कुल ही। इस हॉस्पिटल में इस चीज का ऑपरेशन कराया गया, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन, पित्ते का ऑपरेशन कराया था। क्या गलती हुई, क्या कमी? इसने जिसने ज्वाइन करना था ना, इसने दूसरी नस काट दी, नाली काट दी इसने, और इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। कह रहा है फिलहाल एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या आपकी पत्नी थी? क्या नाम है आपका? 4 महीने एडमिट रही बेंगलोर के अंदर, इसे जवाब दे दिया हमारे थे। ठीक है वहाँ जो है ना, हम 4 महीने एडमिट रहे वहाँ जो है ना, इसके दो ऑपरेशन हुए। 4 महीने बेंगलोर में एडमिशन रहा उनका, इलाज वहाँ चला, उसके बाद ठीक हो गए। कल हम इसके पास आए, परसों जब इसके पास हम आए, इसने हमें रिश्वत देने की कोशिश की, उसके बाद हमने इसकी रिश्वत नहीं ली ना, उसके बाद SP साहब को फोन करके कह रहे हैं गन पॉइंट पे ना ये हमसे रिश्वत ले रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। उसके बाद क्या कार्रवाई कर दी पुलिस? कार्रवाई कर रहे हैं ये हमारे ऊपर की ये गलत आदमी है, इन्होंने हमसे 15 लाख रुपए छीनने की कोशिश की, हमें थाने में बिठाया। हमारी कौन सा हॉस्पिटल है? ये अग्रवाल हॉस्पिटल है। इसमें कोई आदमी, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल जितने भी देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल में कोई मत आना, अगर यहाँ कोई इलाज कराएगा उसकी गारंटी नहीं लेंगे ये लोग। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी लगातार एक हॉस्पिटल के बाहर फिलहाल जरूर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं तस्वीरें अस्पताल के बाहर, जहाँ पर पुलिस एकदम से यहाँ पर मौके पर पहुंची और किस तरीके से बताया जा रहा है पित्त की पथरी का ऑपरेशन था। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। आज इनके साथ है, कल कोई गरीब के साथ भी हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और देखो कर, और देखो कर किनके साथ रहा, जिनका बेटा खुद डॉक्टर है बेंगलोर के अंदर। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाएं भड़की हुई हैं और अस्पताल के बाहर लगातार यहां पर प्रदर्शन फिलहाल जरूर करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस बल यहां पर मौके पर पहुंचा हुआ है, महिलाएं यहां पर है, जी हां महिलाएं यहां पर है। क्या हम सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस हॉस्पिटल में अगर इलाज नहीं करवाओगे तो आप जिंदा रह सकते हो, इसमें कोई विश्वास नाम का फायदा, ये आपको मिसगाइड करेंगे, पैसे लूटेंगे यहाँ इस हॉस्पिटल में कोई इलाज ना करवाए अपना, आई रिक्वेस्ट टू ऑल। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो और इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। जब ये हमारे साथ ये कर रहा है, जो गरीब आदमियों के साथ क्या करेगा ये? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पैसा ले लेंगे, पैसे का बिल बनाते, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसका भुगतान कौन करेगा? हमें इंसाफ चाहिए। आज किस चीज के लिए आए हैं? आज हम न्याय मांगने आए हैं, जो हमारी नहीं सुन रहे हैं ना, हम चाहते हैं प्रशासन हमारी सुने, CMO साहब हमारी सुने, ये बात लेसन ज्यादा होना चाहिए आगे के लिए। आप इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमारे पास सारे एविडेंस हैं, रिटर्न एविडेंस है, हमने CMO को भी बेंगलोर के अंदर की मारी हुई, चार महीने हम बेंगलोर में इलाज करवा के आ चुके हैं। उनकी दो किसकी लापरवाही? इनकी, इस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। जिसके पास सबूत होता है तभी सबूत कदम उठाता है, आज इनके पास सबूत है तो ये कदम उठाया इन्होंने, आज इनके साथ है, कल हमारे साथ है, कब परसों आपके साथ होएगा। तो फिलहाल सबूत क्या है आपके पास? फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, रिपोर्ट सारा कुछ है, टॉप टू बॉटम सब डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट और बेंगलोर से यहाँ से लेके बेंगलोर तक की सारी रिपोर्ट है हमारे पास। हम 4 महीने इलाज बेंगलोर कराया, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है।
तो आप क्या मांग कर रहे हैं? अब इसके लेसन दर्द करवाना जी हमने, ताकि किसी दर्द करवाना है हमें इसका, ताकि किसी की जिंदगी का खिलवाड़ ना करें। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर जो लगातार नारेबाजी फिलहाल जरूर की जा रही है, लाइव तस्वीरें। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। SHO यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, लाइव तस्वीरें। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, देख सकते हैं तस्वीरें। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या हुआ आपकी माता जी? क्या कुछ नहीं हुआ ये पूछिए, इन्होंने हमारी मदर आपका क्या नाम है की? इन्होंने हमारी मदर की कोई केयर नहीं की, हम 8 दिन 10 दिन इनके हाथ जोड़े, इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, उनको MRC भी नहीं कराई, उन्हें हमारी धमकाई, हमने इनको कल रिक्वेस्ट किया डॉक्टर हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि हमारी मदर को देखो, 10 दिन तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मरने के लिए छोड़ दिया, हमारे पास ऐसे ऐसे एविडेंस है डॉक्टर देखो। उसके बाद हमारे साथ ये हुआ है, मेरी माता जी की ऐसी कंडीशन थी, मेरी माता जी की ऐसी कंडीशन में बोल रहे की ठीक हो जाएगी पीढ़िया इसकी, तो फिलहाल मुर्दाबाद के नारे जरूर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अस्पताल के CMO साहब को अपनी CMO साहब को हमने लेटर दे दिया है, हमने लेटर दे चुके हैं, SP साहब को भी हमने लेटर दे दिया है। फिलहाल ऑपरेशन की तस्वीरें फिलहाल जरूर दिखाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। अग्रवाल मुर्दाबाद, तो क्या ये ऑपरेशन की तस्वीरें? तो फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें लगातार यहाँ पर अस्पताल के बाहर, जरूर फिलहाल बवाल यहाँ पर मचता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, क्या आप अगर ऐसे न्याय नहीं होगा कानूनी लड़ू? मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा जी, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेशन मत कराओ भाई, ऑपरेशन मत कराओ, यहाँ से मार देगा तेरी माँ को, मत कराओ भाई, आप लोगों के पेशेंस लो इस पे, ये केस नहीं, आज से 10 दिन पीछे भी इसने एक लेडीज जिससे डेथ हो गई है, उसके बावजूद भी ये ऑपरेशन के नाम पे हथियार है, ऑपरेशन के नाम पर हत्यारा है। तो सबसे बड़ी बात है इसका लाइसेंस रद्द किया जाए, इससे इतने केस हमारे पास, सारी लिस्ट है। क्या नाम था आपकी माता जी का? माता जी का रेणु देवी। कब हुआ था ऑपरेशन उनका? 25 जून का हुआ था, उसके बाद हम परसों आए हैं यहाँ पे, परसों आने के बाद ये हमारे पे कह रहे हैं कि तुम पैसे लेके चुप हो जाओ, हम पर चुप नहीं होंगे, जो हमारे साथ हो किसी और के साथ ना हो, हम भी कहेंगे नहीं, हमारे पास पैसा था हमने अपनी माँ का इलाज करा दिया, जिन गरीब आदमियों के पास पैसा नहीं है वो कैसे इलाज कराएंगे, कैसे इलाज कराएंगे, यहाँ इलाज कराएंगे, सारा घर बार बंद कर गया, 4 महीने हमने इलाज कराया, अपनी माँ का इलाज करवा लिया, बचा दिया, कल हम जैसे गरीब बंदे के साथ यहाँ हाथ ना बता हम कहाँ जाएंगे, हमारी तो लाश निकलेगी इसके अंदर से। और इस हॉस्पिटल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे हाथ जोड़ के और प्रशासन से कि इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए और इसका लाइसेंस रद्द किया जाए, प्रैक्टिस करने का कोई जरूरत नहीं है सर, ऐसे डॉक्टर इन्होंने सर बहुत नेग्लिजेंस किया है, जिसकी वजह से हमारी मदर इन लॉ का ये हाल हुआ है, हम इमरजेंसी में 5 जुलाई को इनसे फिट ऑफ फ्लाई का सर्टिफिकेट लेके इमरजेंसी में बेंगलोर लेके गए हैं सर, इनको वहाँ पे सर इनकी मेजर सर्जरी हुई है, जो कि एक छोटा सा प्रोसीजर था, बाइल डक्ट में पथरी थी वो निकलवाना था, 42 1 आवर का प्रोसीजर था, पर इन्होंने उनको मौत के मुंह में डाल दिया सर, इन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना कोई टेस्ट लिखा ना कुछ, हम खुद से ही टेस्ट कराया, हमने लीवर फंक्शन टेस्ट कराया, जिसमें जॉन्डिस बहुत अधिक बढ़ता गया, हर दिन बढ़ता जा रहा था, तो हम इनके भरोसे बैठे रहते तो हमारी माँ जिंदा नहीं होती सर, हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेंगलोर लेके गए हैं, हमारे पास हर एविडेंस है, हर टेस्ट की रिपोर्ट है, अभी बेड रेस्ट पे है वो, क्या आप जांच की मांग करेंगे? हम पूरी जांच की मांग करना चाहते हैं। फिलहाल देख सकते हैं हिंदू युवा वाहिनी से विपिन जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, हॉस्पिटल को लेकर यहाँ पर लगातार विवाद हो रहा है, क्या बताना चाहेंगे? मोहित जी, जैसा कि सबको पता है डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना गया है, अगर डॉक्टर ही मरीजों के साथ अत्याचार करेंगे और उनका गलत इलाज करेंगे तो मरीज कहाँ जाएगा, किसके ऊपर विश्वास करेगा? 3 महीने इन्होंने 3 महीने पहले 4 महीने पहले इन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद परिवार जो है 4 महीने बेंगलोर में परेशान रहा, वहाँ एम्स में भर्ती रहा, तो वो वहाँ से ठीक होकर आया। मैं तो केवल प्रशासन से CMO साहब से यही निवेदन करूँगा कि ऐसे अस्पताल को बंद करवाओ, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। तो फिलहाल लगातार इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए। फिलहाल तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं, महिलाएं यहां पर पहुंची है, जी हां महिलाएं काफ़ी संख्या में पहुंची है और लगातार विरोध फिलहाल जरूर यहां पर किया जा रहा है, लाइव तस्वीरें। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा।
तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल के बाहर, जी हां अस्पताल के बाहर पुलिस कर्मचारी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस कर्मचारी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि लगातार जो है एक महिला के जो पित्त की पथरी का ऑपरेशन हुआ था जिसमें लापरवाही के कारण इनके जो है पेशेंट ज़्यादा गंभीर हालत में 4 महीने बेंगलोर रहकर आए और लापरवाही का लगातार आरोप फिलहाल अस्पताल पर लगाते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है और लगातार देख सकते हैं तस्वीरें। और ये एसपी को, ये हमने सीएमओ साहब को अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, एप्लीकेशन दी है, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। आई रिक्वेस्ट टू ऑल आपके आपके चैनलों के कर रहा हूँ, ये ऑपरेशन मत कराइयो। अगर अपनी माँ को अपनी बहन को बचाना चाहते हो ऑपरेशन मत कराइयो। आज जोड़ रहा हूँ सबके आगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, जी हाँ तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं, सीआईडी विभाग के कर्मचारी व पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। क्या कुछ पूरी बातचीत होगी ये भी देखना भी बाकी रहेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एसएचओ फिलहाल जरूर समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं, एसएचओ यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ पूरी बातचीत होगी परिवार के साथ क्योंकि परिवार काफ़ी गुस्से में है। जी हां परिवार काफ़ी गुस्से में है, गुस्सा आया हुआ है और अस्पताल के बाहर लगातार नारेबाजी लापरवाही का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं, देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची है। सर हमारी डिमांड, सर हमारी डिमांड ये है इस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए। हमसे पहले भी काफी केस हमारे साथ हुआ है, हमसे पहले भी काफी केस ऐसे हो चुके हैं जो इनके साथ केस चल रहे हैं और पैसे दे के जो नहीं माना उनका मुंह बंद कर दिया। हमारी ये प्रशासन से दरख्वास्त है कि आप इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए और इस हॉस्पिटल को बंद कराए, लाइसेंस रद्द करना चाहिए जी इनका। सीएमओ साहब को हमने एप्लीकेशन दे दिया सर, भाई साहब इन्होंने अगर परसों अगर पुलिस प्रशासन अगर परसों नहा था ना तो हमें ये कह रहा था बाउंसरों को कि अंदर बंद करके मारो इन्हें, इन्हें मारो जी अग्रवाल हो, ये डॉक्टर ने कहा है, ये कह रहा है गुंडी बंद करके इनको अंदर बंद करके मारो और हमें मिस यूज किया, हमें गालियां दी। और अगर ये प्रशासन सही टाइम पे ना आता तो हमें मार देता, जान से मारने की धमकी दे चुका था और कर भी सकता है। मेडिकल फील्ड से थे, हमने अपनी माँ को बचा लिया, इन गरीब लोगों का क्या होगा वो बात देखो ना आप। हर आदमी के पास पैसा नहीं होता, कौन कैसे करेगा। फिलहाल देख सकते हैं काफी माहौल जरूर यहां पर खराब हो रहा है, देख सकते हैं तस्वीरें अस्पताल के बाहर काफी हंगामा फिलहाल यहां पर जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लाइसेंस रद्द होना चाहिए इसका, लाइसेंस रद्द होना चाहिए इसका। ये लाइसेंस के चलते काबुल लिया है, लोगों को मारता है यहाँ पे, मैंने तो बहुत देखे भाई। और किसी का सर्जरी मत कराइयो भाइयो, मर जाती है, पैसे लूटने का धंधा बना लिया इन्होंने। फिलहाल देख सकते हैं लगातार यहाँ पर विरोध जी हाँ लाइव तस्वीरें। जी हाँ मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें, महिलाएं बैठ गई थी जी, क्या कुछ पूरी बातचीत होगी, एक ज्ञापन फिलहाल जरूर दिया जा रहा है। आपके सर हमने इनको एप्लीकेशन दे दिया, एसएचओ साहब को हमने अपने एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दे दी है और ये देख ले पढ़ ले सारी चीज हमारी। हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस हॉस्पिटल को बंद करवाना चाहिए, इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। हम चाहते हैं जो हमारे साथ हो और किसी और के साथ ना हो। हम नहीं भी कहते, ये हमें ऐसे मारने की धमकी दे रहा है और ये हमारे साथ कर भी सकता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर ज्ञापन फिलहाल जरूर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, रामपाल एसएचओ यहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन ली, अब क्या कुछ पूरी बातचीत होगी, एक बार रामपाल एसएचओ से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 45 स्टिचेस की सर्जरी हुई है उनकी, 45 स्टिचेस की, 45 वो यहाँ चलने की हालत में नहीं है, ये कंडीशन है। 5-6 महीने से हम सफर कर रहे हैं और ये कोई और सफर ना करे, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है प्लीज रिक्वेस्ट, यहाँ कोई इलाज ना करवाए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज। फिलहाल लगातार जो है यहाँ पर बातचीत जरूर की जा रही है, एसएचओ फिलहाल बातचीत जरूर करते आ रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आप देखते हैं, एसएचओ फिलहाल जरूर बातचीत करते नजर आ रहे हैं, एप्लीकेशन ली गई है, क्या कुछ पूरी बातचीत है वो भी देखना रहेगा क्योंकि लगातार विरोध प्रोटेस्ट यहाँ पर फिलहाल जरूर किया गया अस्पताल के बाहर। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं।
रामपाल जी, यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट हुआ, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या मामला था? ये एक इनको लेडीज़ का ऑपरेशन किया था और उसमें ये इनकी हुआ है कि लेडीज़ का ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने गलत किया, लेकिन अभी छानबीन चल रही है, जैसे ही होगा सच्चाई सामने आ जाएगी। अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरीके से समझा बुझाकर भेजा? अब हमने इसको समझा बुझाकर भेज दिया, अभी इनसे एक एप्लीकेशन ले ली है, जो भी होगा उसके हिसाब को दे देंगे हम। क्या मांग के मांग तो इनके कुछ नहीं, इनके डॉक्टर साहब के साथ खिलाफ कार्रवाई करो आप। भाई ये ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन 25 जून में हुआ था। जून में ऑपरेशन हुआ? जी जी जी। तो डेथ कब हुई है? डेथ नहीं हुई अभी, डेथ इसमें कोई नहीं, वो कहीं बाहर चले गए, अपोलो में चले गए, वहाँ उन्होंने इलाज कराया और वो अभी ठीक है। वहाँ पे उनको पता चला कि खराब हुआ? हाँ, बस यही बात है। अभी तो सीएमओ साहब से जांच होगी, उसके बाद बात करेंगे। ठीक। तो फिलहाल ये एसएचओ रामपाल जी थे, फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस पहुँची, फिलहाल समझा बुझाकर भेज जरूर किया गया, लाइव तस्वीरें। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार शेयर जरूर करते रहिए। फिलहाल अंदर जाकर डॉक्टर से जब बात करनी चाहिए तो डॉक्टर ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। फिलहाल उन्होंने कहा जो भी आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, अगर उन्हें कोई कार्रवाई करानी है तो फिलहाल कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरीके से हमारी फ़ोन पर उनसे बात हुई, पर कैमरे पर आने से डॉक्टर ने फिलहाल ज़रूर मना कर दिया। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला यमुनानगर के एक निजी अस्पताल के बाहर से, जहाँ पर लोगों ने लापरवाही के डॉक्टर पर आरोप लगाए और उन्होंने लगातार कहा कि इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।